May I request everybody to stand up for the national anthem. और इंशाल्लाह वो छह महीने में सारे काम पूरे हो जाएंगे. एक और जरूरी बात मैं बताना चाह रहा था, वो ये थी कि इससे भी हमारी तसल्ली नहीं थी. तो ये सीएस साहब एडवाइजर सब मैं बैठे और हम लोगों ने कहा कि यहाँ का जो आदमी है गरीब, देखिए कश्मीर में अमीरी भी बहुत है और ऐसी अमीरी है कि जो जिसको मैं कह सकता हूं कि फिल्थी अमीरी है. यहाँ के जो कई अफसर और नेता इतने रिच हैं कि उनका श्रीनगर में भी मकान है, दिल्ली में भी है, दुबई में भी है, लंदन में भी है. वो गिने चुने लोग हैं, लेकिन वो कश्मीर नहीं है. लेकिन आम कश्मीरी बहुत गुर्बत में है. खास तौर से गांव में जो कश्मीरी है वो बहुत बुरे हाल में है. शहर में भी मैं सीएस साहब से कहा था कि हम एक दिन चलेंगे, डाउन टाउन में कितनी गरीबी आप अंदाज ही नहीं लगा सकते. तो हमने एक तय किया कि हम अपने अफसरों को गांवों में भेजें और ये जाके लोगों से पूछें कि तुम्हारे यहाँ कौन सी योजना हमारी लागू हुई है, कौन सी नहीं हुई है, किस चीज की जरूरत है, पुलिया चाहिए, स्कूल चाहिए, क्या चीज चाहिए. तो हमारे केएस और आईएएस ऑफिसर्स 3 दिन के लिए बाहर रहे और उसमें एक रात सबों ने गांव में गुजारी और उसके जो तजुर्बात हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था. उसके जो तजुर्बे हैं, जो फिगर्स लाए हैं, उसको हम कंपाइल कर रहे हैं और इसके 3 महीने बाद फिर हम रिविजिट करेंगे उन जगहों को और उनके जो काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे. यहाँ सबसे बड़ी शिकायत यही होती थी साहब, सुनवाई नहीं. देखिए मैं आपको कल्चर बताता हूं यहाँ का. जब मैं आया मैंने लोगों से कहा भाई तुम्हारी तो सरकार थी, तुम गवर्नर को क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हारी सरकारें थी उसमें क्यों नहीं तुमने काम किया, काम क्यों नहीं कराया. उनका साहब कोई नहीं सुनता था. फिर उनका साहब उन्हीं की सुनवाई होती थी जो नजदीक थे. ऐसे भी केसेस हुए, एक ऐसा केस हुआ, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा चूंकि जेके बैंक की आजकल जांच चल रही है, कि जिसमें चुने हुए लड़के, मेरिट लिस्ट में आए हुए लड़के घर पे बिठा दिए गए और अपने कार्यकर्ताओं को बुला के उस बैंक में ज्वाइन करा दिया गया. मैंने बाद में 580 उन बच्चों को ज्वाइन कराया जिनके साथ जाती हुई थी. तो कुल मिला के इस संस्कृति थी कि जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जो पावर के नजदीक है, उसका है कश्मीर, बाकी का नहीं है. मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, अब चुनाव ना होंगे, नई सरकारें बन जाएंगी, लेकिन जब तक मेरे हाथ में काम है तब तक किसी तरह का ऐसा व्यवहार नहीं होगा कि जो होने लायक है वो ना हो और जो ना होने लायक है वो हो जाए. वो हमारी किसी की भी कलम से, ना मेरी ना हमारे सलाहकारों की कलम से होगा. और हम ये कोशिश करेंगे ईमानदार, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ये लोग भी ज्यादातर बाहर से आए, इनको भी कोई चुनाव नहीं लड़ना. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमने तकलीफें यहाँ कश्मीर के लोगों की देखी हैं, अगर उसका 2% भी कम कर सकेंगे तो हम ये मानेंगे कि हम कामयाब हुए. मैं आप सबों को फिर बधाई देता हूँ. किसी भी शहर में या इलाके में मेडिकल कॉलेज का आना ऐसा है कि जैसे अल्लाह की नेमत आ गई. आपको ये मुबारक हो, आपके बच्चे पढ़ें और आपके बुजुर्ग जो हैं उनकी उम्र में 10 साल का इजाफा हो इलाज की वजह से. इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ.